हम अपने YouTube चैनल पर मूवी सफर से संबंधित हर वीडियो को डालते हैं। मूवी सफर में एक और नया ऑप्शन जुड़ चुका है, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मूवी सफर के एक मौजूदा रिटेलर हैं तो आपको पता होगा कि मूवी सफर में NSDL पैन कार्ड सर्विसेज को ऐड कर दिया जा चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप NSDL पैन कार्ड सर्विसों को यूज़ करके पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पोर्टल पर आ जाना है और अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड कैप्चा भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप मूवी सफ़र के डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको सर्विसेज सेक्शन में क्लिक करना है और पैन कार्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप पैन कार्ड सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि NSDL पैन कार्ड का है। मूवी सफ़र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मूवी सफ़र UTI के साथ पार्टनरशिप करके पैन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, पर अब आपको UTI के साथ NSDL की सर्विस भी मूवी सफ़र पोर्टल में लाइव कर दी गई है। इस वीडियो का मकसद ही आपको NSDL पैन कार्ड पोर्टल के बारे में जानकारी देना है। उसके बाद आपको इन तीनों ऑप्शंस में से NSDL पैन कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये आपको मूवी सफ़र के सब डोमेन पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, न्यू पैन कार्ड स्टेटस ट्रैक करने का ऑप्शन, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया उसका स्टेटस, और एक लेजर हिस्ट्री और रिपोर्ट आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूँ, इस फैसिलिटी की मदद से आप केवल नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आप करेक्शन नहीं कर सकते। करेक्शन के लिए आपको UTI ही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास नए कस्टमर ज़्यादा आते हैं तो आप इस सर्विसेज को यूज़ करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें नया पैन कार्ड बनाना है तो हम न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, एज़ पर आधार अपने मम्मी पापा की डिटेल्स भरनी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, जिसमें आपसे पेमेंट का एक कंफर्मेशन मांगा जाएगा, जहां आपको रेफरेंस नंबर, पैन टाइप और जितना अमाउंट पे करना है उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपका 107 रुपये कॉस्ट जो पैन कार्ड की है वो कटेगी। उसके बाद आपको यहां से कंफर्म करके पेमेंट को कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आप एक नई पॉपअप विंडो पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको एप्लीकेशन का टाइप चुन लेना है, कंट्री चुन लेनी है, अपना आधार नंबर डालना है, टाइटल सिलेक्ट करना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, जो भी आपका नाम है उसको टाइप कर लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक डिस्क्लेमर भी नीचे देखने को मिलेगा, उस पर आपको टिक कर देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स देखनी है और अगर आपका कोई अलग नाम है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल देख लेनी है,
जो भी है, अगर कोई गलत है तो आप उसमें भर सकते हैं। भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शन में पूछेगा कि अगर क्या आप फिजिकल पैन कार्ड लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर यस करना है, क्योंकि आपने शुरू में 107 रुपये की पेमेंट की है, तो आपको इसको यस करना होगा। सोर्स ऑफ इनकम में आप नो इनकम रहने दें। अगर कस्टमर कहता है कि नहीं, सैलरी से मेरी इनकम आती है या कोई और चीज़, तो आप वो सिलेक्ट कर लें, वैसे नो इनकम पे ही सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर देना है कस्टमर का। उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में रेजिडेंस रहने देना है, और एड्रेस भरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसे खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको एओ कोड, एरिया कोड और रेंज, ये सब सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर पहले स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिटी, और उसके बाद आपको एरिया कोड देखने को मिल जाएंगे। एरिया कोड सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक बार अपना जो भी आपने टाइप किया है पिछले स्टेप्स में, उसको वेरीफाई कर लेना है। अगर सब सही है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, EKYC ऑथेंटिकेशन। आप OTP बेस्ड भी कर सकते हैं और बायोमेट्रिक बेस्ड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बायोमेट्रिक फिंगर डिवाइस है तो आप बड़ी आसानी से, अगर आधार नंबर नहीं भी लिंक है आधार कार्ड से, मतलब मोबाइल नंबर आधार कार्ड से नहीं भी लिंक है, तो आप बना सकते हैं। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OTP बेस्ड EKYC की। दोनों चीज़ सेम है। OTP बेस्ड में आपको OTP भरना होता है, और बायोमेट्रिक वाले में अंगूठा लगाना होता है। बस इतना ही फ़र्क है, स्टेप्स बिल्कुल सेम है। हम OTP बेस्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर OTP रिसीव हो गया है, उसे हम पुट करके सबमिट कर देंगे। अगर यहीं पर अगर हमने बायोमेट्रिक के ऑप्शन पर क्लिक किया होता, तो यहाँ पर हम अंगूठा लगा के कस्टमर का सबमिट पर क्लिक करते। उसके बाद आपको e-sign ऑथेंटिकेशन करना होगा। यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, OTP बेस्ड और बायोमेट्रिक बेस्ड। यहाँ पे हम OTP बेस्ड करेंगे, और यहाँ पर हम एक नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जो कि NSDL सिग्नेचर सर्विस प्रोवाइड करता है e-signing प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डाल के सेंड OTP पे क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑप्शन चुना होता, तो यहाँ पर आपने आधार नंबर डाल के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना था, और उसके बाद ये आपको आगे रिडायरेक्ट कर देता। यहाँ पर आपको अपना OTP डाल देना है, और अगर आपने बायोमेट्रिक चुना होता तो अंगूठा लगाना था, और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मैसेज खुल के आएगा कि आपका पैन एक्सेप्ट हो चुका है, और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, आपने इससे अप्लाई किया है, और ट्रांजैक्शन आईडी ये है। आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दुकानदार भाइयों से और जो भी इनकम जनरेट करना चाहता है उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।